भी विभाग प्रमुखों को ये निर्देश दिया है, जनता की पहुंच से दूर ना रहें। अधिकारी सप्ताह में 3 दिन निर्धारित करें, जनता की शिकायतों को सुनें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलजी बीडी मिश्रा का ये बड़ा आदेश सामने आया है, सभी विभागों के प्रमुखों को ये निर्देश दिए हैं कि जितना संभव हो जनता के साथ टच में रहे। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी मोरूप स्टेंजन का, लद्दाख से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मोरूप, यहां पर सभी विभागों के प्रमुखों को एलजी ने निर्देश दिए हैं कि जितना हो सके जनता की समस्याओं को सुने, उनसे संवाद करें और हफ्ते में 3 दिन निर्धारित करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल पाई है मोरूप? जी जस्मीन, जब से जो नया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा पद संभाले, तब से पब्लिक के लिए जो एक्सेस है काफ़ी मतलब अच्छा हो गया, कि छोटे से छोटे लेके आम नागरिक से लेके सर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने का मौका मिल रहा। तो तभी उन लोगों का ग्रीवेंस सुनने के बाद एलजी प्रशासन ने ये रियलाइज़ किया कि पब्लिक की ग्रीवेंसेस को जो हेड कंसर्न हेड ऑफिस से जो जिनको इश्यू है वो सुनने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल ने ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आदेश दिया है कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को 1 घंटा पब्लिक के लिए ही ये समय दिया जाए। और इनको सख्त ये हृदय भी निर्देश दिया गया है कि इस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी और मीटिंग में ना शामिल हो, इस डेडिकेटली पब्लिक के लिए शामिल हो। तो आपको ये बता दूं कि जब से एलजी आया तो पब्लिक का भी अच्छा फीडबैक है कि पब्लिक एक्सेस मिलता है और साथ ही साथ पब्लिक का ग्रीवेंसेस लद्दाख के एलजी सुनते हैं। और एलजी ने ये भी रिकमेंड किया था कि एक कमेटी भी बनेगा, जो भी ग्रीवेंसेस जो पब्लिक के हो उसमें सिविल सोसाइटी या जो उसी तरह यूटी प्रशासन के उसी तरह पॉलिटिकल लीडर सब मिला के एक कमेटी भी गठन करने का उन्होंने एश्योरेंस दिया। तो ये आम लद्दाख की जनता के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि ऐसे जो इश्यूज होते हैं जो आम पब्लिक जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाते, बड़ी मुश्किल होता है अपॉइंटमेंट मिलना। तो ऐसे समय में ऐसे ऑर्डर आने से तो पब्लिक को बहुत फायदा होगा। जी जस्मिन, बिल्कुल मोरूप, हमने ब्यूरोक्रेसी में अक्सर ये देखा है कि अधिकारियों के साथ जनता डायरेक्ट संवाद इतनी आसानी से नहीं कर पाती है। और अब क्योंकि एलजी साहब ने जिस तरीके से ये आदेश जारी किए हैं, कितना लाभ इस आदेश का होता हुआ आपको नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, जैसे कल से ये जो सिलसिला स्टार्ट होगा तो हम जैसे पब्लिक का जो रिएक्शन कल ही पता कर पाएंगे कि कैसा उनका रहा है जो इंट्रोडक्शन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से। लेकिन आमतौर पर ये बता दूं कि जैसे एलजी ने यहाँ का पद संभाला तो उन्होंने शुरू में कहा कि आई एम हियर टू सर्व द पीपल ऑफ लद्दाख। तो इससे लोगों में एक अच्छा मैसेज आता है। और ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि उनके छोटे इशू को गवर्नमेंट तवज्जो दे रहा है, सुन रहे, तो पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा। और हमें उम्मीद है कि इससे जो लद्दाख की डेवलपमेंट में और भी चार चांद लग जाएगा। जी जस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल मोरूप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एलजी का ये आदेश अपने आप में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपने कहा कि कल से ये सिलसिला शुरू होगा और जनता का रिएक्शन कल ही पता लग पाएगा। मोरूप, आप नजर बना के रखें।